हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दिस इज़ अवर जीए क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शेप्स। सो विच शेप इज दिस? दिस इज, टेल मी विच शेप इज दिस? दिस इज सर्कल शेप। राउंड राउंड सर्कल, राउंड राउंड सर्कल, राउंड राउंड सर्कल। तो सर्कल शेप में क्या क्या होता है? सर्कल शेप में कॉइन, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ का कॉइन होता है ना, वो किस शेप में होता है? सर्कल शेप में। एंड विच शेप इज दिस? दिस इज एस फॉर सन, एंड सन इज आल्सो सर्कल शेप। एंड सी फॉर कैंडी, कैंडी किस शेप में होती है? कलरफुल कैंडी होती है ना, जिसको मीट करते हैं, चॉकलेट जैसी होती है, तो कैंडी किस शेप में होती है? सर्कल शेप में। एंड ये है फॉर फुटबॉल, फुटबॉल इज़ आल्सो सर्कल शेप। एंड पी फॉर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा किस शेप में होता है? ये भी सर्कल शेप में होता है। एंड फुल मून, ये हाफ मून है, हाफ मून तो सेमी सर्कल शेप में होता है, एंड फुल मून सर्कल शेप में होता है। नेक्स्ट इज, वाओ विच शेप इज दिस? दिस इज, दिस इज ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, 1, 2, 3। थ्री साइड किस में होती है? ट्राइंगल में। एंड ये है वाटर मेलन का स्लाइस, ये किस शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में। एंड ये है माउंटेन, माउंटेन किस शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में। एंड ये है बर्थडे कैप, बर्थडे कैप किस शेप में होती है? ट्राइंगल शेप में। एंड ये है टी फॉर टेंट, टेंट किस शेप में होता है? सर्कल शेप, सॉरी सर्कल में नहीं, ट्राइंगल शेप में होता है। मैम तो सर्कल बना दिया, ये तो ट्राइंगल शेप में होता है ना। एंड ये है, ये है टॉयज, ये ट्राइंगल शेप में है। एंड ये है साइन, ये किस शेप में बना हुआ है? ये बना हुआ है ट्राइंगल शेप में। एंड ये है स्टॉपर, ये किस शेप में? ट्राइंगल शेप में। एंड ये है कलर्स, ये किस शेप में रखे हुए हैं? ये ट्राइंगल शेप। एंड ये आइसक्रीम का कोन किस शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में। एंड ये है यू फॉर अम्ब्रेला, जब इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं तो ये किस शेप में बन जाता है? ट्राइंगल शेप में। एंड ये है पिज्ज़ा का स्लाइस, ये भी ट्राइंगल शेप में है। एंड ये है हैंगर, कपड़े हैंग करने वाला, ये किस शेप में होता है? ये भी ट्राइंगल शेप में होता है। एंड नेक्स्ट इज, वाओ विच शेप इज दिस? दिस इज स्क्वायर शेप। स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड ऑल आर इक्वल। एंड ये है डिफॉल्ट डाइस, डाइस किस शेप में होता है? स्क्वायर शेप में। एंड ये है स्क्वायर शेप ब्लैक बोर्ड, स्क्वायर शेप ब्लैक बोर्ड। एंड आइस क्यूब होता है ना, आइस क्यूब, ये किस शेप में होता है? स्क्वायर शेप में। एंड विंडो, विंडो स्क्वायर शेप में भी होती है एंड रेक्टेंगल शेप में भी होती है। एंड ये है बी फॉर ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड हम यूज़ करते हैं ना, सैंडविच भी बनाते हैं, इसको जैम के साथ भी ईट करते हैं, किस शेप में होता है? स्क्वायर शेप में। एंड ये है सी फॉर कैरम, कैरम, कैरम किस शेप में होता है? कैरम तो स्क्वायर शेप में होता है, कैरम इंडोर गेम है ना, तो कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं ना, तो ये हो गया इंडोर गेम। एंड ये किस शेप में होता है? ये तो स्क्वायर शेप में होता है। नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल, आर फॉर रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल इसमें टू साइड सेम होती हैं, एंड टू साइड सेम होती हैं, टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट। ये देखो, ये टू बड़ी हो गई, ये टू छोटी हो गई। एंड ये मोबाइल, मोबाइल किस शेप में होता है? मोबाइल तो रेक्टेंगल शेप में होता है। एंड ये है चॉकलेट, चॉकलेट भी रेक्टेंगल शेप में होती है। एंड ये है 10 रुपीज़ का नोट, एंड 10 रुपीज़ का नोट किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में। एंड ये है बी फॉर बैग, बैग किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में। एंड ये है टी फॉर टीवी, टीवी किस शेप में होती है? टीवी तो रेक्टेंगल शेप में होती है। एंड ये है बी फॉर बिस्किट, बिस्किट किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में। नेक्स्ट इज, वाओ विच शेप इज दिस? दिस इज, ये है ओवल शेप, ओवल, ओवल, ओ फॉर ओवल शेप।
एंड ओवल शेप में क्या क्या होता है? ये है बैडमिंटन, इससे बैडमिंटन खेलते हैं ना। ये किस शेप में है? ये तो है ओवल शेप में। एंड ये है बलून, ये किस शेप में है? ओवल शेप में। ये है ई फॉर एग, एग किस शेप में होता है? एग तो ओवल शेप में होता है। एंड ये है चोको पाई, ये किस शेप में? ये भी ओवल शेप में है। एंड ये है वाटरमेलन, वाटरमेलन किस शेप में होता है? ओवल शेप में। एंड ये है नेकलेस, नेकलेस हम गले में पहनते हैं ना, तो ये किस शेप में होता है? ये तो है ओवल शेप में। एंड ये है बेसबॉल, ये किस शेप में? ये भी ओवल शेप में है। तो आज हमने किस किस शेप के बारे में लर्न किया? ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल। एंड नेक्स्ट इज, ओ वाओ, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको सेम शेप को मैच करना है। सो विच शेप इज दिस? दिस इज स्क्वायर शेप। एंड वेयर इज अनदर स्क्वायर शेप? ये रहा। इन पिक्चर्स में कलर भी करना है। ओके, नेक्स्ट इज, विच शेप इज दिस? दिस इज ट्राइंगल शेप। एंड ट्राइंगल शेप कहाँ है? ये रहा, टी फॉर ट्राइंगल। एंड ये कौन सा शेप है? ये है एस फॉर स्टार, एस फॉर स्टार। एंड वेयर इज अनदर स्टार? ये रहा। एंड नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन सा शेप है? नेक्स्ट कौन सा शेप है? ये है रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल शेप, इसकी टू साइड सेम होती हैं, टू साइड सेम होती हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन था? ये है सर्कल शेप, तो ये रहा सर्कल शेप। एंड नेक्स्ट इज, लास्ट वन इज ओवल शेप। एंड वेयर इज अनदर ओवल शेप? ये रहा। तो ये हमारा वर्क तो डन हुआ। तो आपको भी इसी तरह से अपना वर्क करना है एंड सभी शेप्स को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ओके किड्स, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय।